जय हिंद दोस्तों, UDCRI में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे माइनर क्रिकेट लीग का, जो आज का अगला मैच खेला जाएगा, नेक्स्ट मैच खेला जाएगा, उस मैच के बारे में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो ये मैच खेला जाएगा आपके ह्यूस्टन और डैलास के बीच में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जो होंगे हमारे प्राइम टीम में दोस्तों, उसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे, एक एक प्लेयर का स्टैट्स आपको दिखाएंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम एक एक प्लेयर का स्टैट्स दिखाएंगे, पिच रिपोर्ट दिखाएंगे, पिच कैसी है, कहां पर ये मैच हो रहा है, उसके बाद उस ग्राउंड पे किस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है, उसके बाद हम कवर करेंगे आपके हमारे प्राइम टीम में कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे दोस्तों। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वाला जो आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको ऑल कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको पहला जो लिंक मिलेगा ना दोस्तों, इस वाले लिंक को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस वाले लिंक पे टैप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है @UDCRI, एक सेकंड, हाँ तो ये दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम का पेज। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, इस वाले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है डायरेक्टली और आके इस पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का बटन आप दिख रहे हैं, नीचे जो ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक इसी जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, है ना। तो आपको ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी, फाइनल अपडेट्स आएंगी ना, वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस हुआ, लाइनअप्स में कुछ भी चेंजेस हुआ और फाइनल टीम में हमें कुछ भी अपडेट करना पड़ा, तो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ बताया जाएगा सबसे पहले। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आगे मैच की, बात करते हैं अभी इस मैच की। पहले तो मैच पर चलते हैं, क्रिएट टीम पर जाएंगे, उसके बाद एक सेकंड, हाँ उसके बाद पहले फिल्टर लगाएंगे हम ह्यूस्टन की टीम के ऊपर। तो उनका पिछला मैच एक बार चेक कर लेते हैं, उससे पहले पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। पिच की बात करें, जो पिच में ये खेला जाएगा ना मैच, ये मैच आपको बॉलिंग पिच है, ये स्पिनर्स को मदद करेगा ये पिच, मतलब जो क्वालिटी स्पिनर्स है उनको मदद ज़रूर करेगा। तो आपको स्पिनर्स को ज़्यादा प्रेफर करना है अपनी टीम में, मिडिल ऑर्डर में जो स्पिन करेंगे ना, अच्छे स्पिनर्स, उनको आपको प्रेफर करना है। तो कौन है अच्छे स्पिनर्स वो हम बताएंगे दोस्तों आपको, किसको आपको पिक करना है ना हम बता देंगे आपको, ये टेंशन की आपको लेने की ज़रूरत है नहीं। तो इस ग्राउंड पर अगर बात करें, सबसे ज़्यादा अच्छा जो परफॉर्मेंस है ना वो आर रज़ा का है बैटिंग से। तो इन्होंने हर एक मैच में 28 के एवरेज से ग्राउंड पर रन बनाए। एस हैदर ने 14 मैचों में 21 के एवरेज से इस ग्राउंड पर रन बनाया और यू रफीक ने 15 मैचों में 10 के एवरेज से इस ग्राउंड पर हर एक मैच में रन बनाए। अगर विकेट्स की बात करें, एक खान ने 2 मैच खेला और सबसे बढ़िया 4 मैच दोस्तों, 4 विकेट पर मैच, मतलब 2 मैचों में इन्होंने 8 विकेट लिए। आपके लिए सी ओ बी सी का सबसे बड़ी ऑप्शन है एक खान। उसके बाद के गतेपल्ली ने 10 मैच में 3.4, मतलब 3.4 का एवरेज से विकेट लिए। यू रफीक ने 15 मैच में 2.5 के एवरेज से विकेट लिए। तो अगर इस ग्राउंड के एवरेज स्कोर की बात करें ना, 104 है एवरेज स्कोर, काफ़ी लो स्कोरिंग गेम आपको होते दिखेगा, और 113 का है फास्ट इनिंग्स का स्कोर। तो इसका मतलब इससे आप समझ सकते हो कितना बॉलिंग का कितना फेवर करेगी, मतलब पूरे बॉलिंग को ही फेवर करती है ग्राउंड। तो आपको सारे बॉलर्स पिक करने हैं अपनी टीम में। तो कौन से प्लेयर्स पिक करेंगे उसके बारे में बता देते हैं आपको। पहले अगर विकेट कीपिंग की बात करें, ह्यूस्टन की टीम से आपको एस हैदर खेलते दिख जाएंगे, ये आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर मेरे हिसाब से तो है नहीं, तो मैं अभी के लिए इनको ड्रॉप करके चलूँगा। तो बैटिंग की बात करें, यहाँ से आपको खेलते हुए दिख जाएंगे ह्यूस्टन की टीम से एस बादर, आपको लेना है इनको टीम में। उसके बाद एम अहमद, इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है। किसको? बादर, एम अहमद और बांगेश, यहाँ से एस हैदर को आप ट्राई कर सकते हो, पर देखते हैं अभी, इनको अभी नहीं लेंगे। तो अगर बात करें ऑलराउंडर्स की, कहा गया हाँ, यहाँ से आपको खेलते दिख जाएंगे अच्छे खासे ऑलराउंडर से यू खान शिनवारी दोस्तों, आपके लिए अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। सी और बी सी के अच्छे खासे ऑप्शन आपके बन जाएंगे। के घतेपल्ले भी आपके लिए बढ़िया पिक बन जाएंगे, पर अभी के लिए मैं यहाँ से किसी को नहीं लूँगा।
आप चाहो तो ले सकते हो यूराफिक को, मैं यूराफिक को लूँगा, अभी के लिए इन दोनों में से किसी को नहीं लूँगा मैं दोस्तों। यूराफिक की बात करें, हर एक मैच में ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, 2 विकेट्स हर एक मैच में आपको लेते हुए दिखी जाएगा, तो हमारे टीम में पक्का हो जाएंगे। प्लस ये स्पिनर है ना, स्पिनर को इस ग्राउंड में फेवर जरूर करते हैं। एम थोम्प मेरे टीम में ज़रूर होंगे। तो एम थोम्प का बात करें, थोड़ा क्या कर लेते देख लेते हैं। एम थोम्प कुछ खास किया नहीं दोस्तों पिछले मैच में, तो अभी के लिए इनको ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा जय थोम्प के साथ दोस्तों, और ऐसे इधर। तो ये 6 प्लेयर्स बन गए इम्पोर्टेंट इस टीम से। तो कौन कौन? एस हैदर, जय थॉम्प, बंगेश बादर, एम अहमद और यूराफिक, ये 6 प्लेयर्स इस टीम से इम्पोर्टेंट बन गए। अगर बात करें दूसरी टीम की, जो कि DGI की टीम, यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन बनेंगे? यहाँ से आपको एस पटेल को लेना है, पक्का अपने टीम में होने चाहिए। उसके बाद बैटिंग में आपको जो प्लेयर्स चाहिए ना, एस पटेल हमारे टीम में होंगे। उसके बाद यहाँ से रजा और आरदार, ये दोनों मेरे टीम में होंगे, बाकी का कुछ पता नहीं। एस सिंह को मैं शायद ड्रॉप करूँगा, मैं शायद यहाँ से चैतन्य बिश्नोई है क्या ये? हाँ दोस्तों, चैतन्य बिश्नोई है मेरे टीम में पक्का होंगे। चैतन्य बिश्नोई है मतलब मेरे टीम में पक्का होंगे ये। तो यहाँ से ये मेरे टीम में होंगे भी बोधुगम दोस्तों, कुछ इस तरह से मेरी टीम निकल के आ रही है। तो अभी के लिए मेरी यही टीम है, बाकी अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूँ ना तो आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको हमारी फाइनल टीम आएगी ना। तो बाकी एक बार आप चेक कर लीजिए, टीम प्रीव्यू देख लीजिए। तो सी और बी सी कौन होंगे? सी और बी सी जो होंगे ना, मेरे मेरे कैप्टन होंगे आपके, कहा गए यू, कहा गए यूराफिक, हाँ ये रहे, ये मेरे कैप्टन होंगे दोस्तों। और वाइस कैप्टन मेरे बात करें तो मैं अभी के लिए बांगेश के साथ एज ए वाइस कैप्टन जा रहा हूँ, बाकी शायद मैं इनको चेंज कर दूँ, शायद मैं बांगेश को कैप्टन वाइस कैप्टन ना बना के मैं शायद चेतन बिश्नोई को मेरा वाइस कैप्टन बना दूँ दोस्तों, क्योंकि ये प्लेयर काफ़ी अच्छा है और स्पिनर का यह ग्राउंड है, ये लेफ्ट टर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है दोस्तों, अच्छे प्लेयर है, मेरी टीम में ये पक्का होंगे, शायद मैं इनको वाइस कैप्टन बना दूँ। बाकी जो भी हो आपको टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूँगा, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलेगा वही है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जुड़ जाना। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।